हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसी निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं मूंग की दाल के चीले। तो वो मैंने ले ली है दाल, और दाल लेकर फिर मैं उसको पीसूंगी। तो इसमें मेरा और नाश्ता बन रहा है, पकौड़ी बन रही है, अंडे की आमलेट बन रही है, मतलब ये संडे का नाश्ता है। तो माँ बेटा लगे पड़े हैं हम। और ये जो मूंग की दाल का जो चीले बनाऊंगी, ये 32 बार फार्मूला में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं और हल्के रहते हैं। तो ये नहीं है कि मतलब 32 बार के फार्मूला में खाना छोड़ दें, मतलब थोड़ा लिमिट तक खाएं और हल्का फुल्का खाएं। तो ये तो संडे था, इस वजह से ये बन रहा है नाश्ता। तो ये आलू प्याज की पकौड़ी बन रही है, और संडे में अच्छा हैवी नाश्ता कर लेते हैं, संडे में ही ज़्यादा हैवी होता है हमारे नाश्ता। तो किस किस के हफ्ते बाई हफ्ते हैवी नाश्ता होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रोज़ तो हम भी नहीं खा पाते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ आलू और प्याज की पकौड़ी, जो भाजी बोलते हैं, भाजी टाइप की लगती है क्योंकि इसमें बेसन कम डालते हैं। तो जैसे मुंबई में मिलती है सेम ऐसे ही लगती है ये। उसके बाद डालूंगी धनिया पाउडर, धनिया पाउडर के बाद डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा भी डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़े से गर्म मसाला डालूंगी, और इसको फिर मैं और इसमें हींग डालूंगी। बहुत ही अच्छे लगते हैं मूंग की दाल के चीले। तो ये 32 बार का फॉर्मूला कुछ ज़्यादा ही क्रेज में चल रहा है। ये लहसुन प्याज और अदरक की पेस्ट है, तो ये भी मिला लिया है मैंने इसमें, और अच्छे तरीके से इसको फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने डाल लिया है जीरा और पाउडर साथ में, फिर दोबारा से इसको इसी तरीके से फेंटेंगे। और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मूंग की दाल के चीले हो, पकौड़ी हो, मूंग की दाल की। किस चीज़ को अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हमें तो बहुत ही अच्छी लगती है।
नीचे वाला, इसको लगा दिया है मैंने थोड़ा सा घी, और ये बैटर को मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच, और इसको बहुत ही हल्के हाथ से डोसे की तरफ फैला देंगे। बहुत ही अच्छा हमारा मूंग की दाल का चीला बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर से मैंने लगाऊंगी घी हल्का सा, और आप बिना घी लगाए भी बना सकते हैं। ऊपर से लगा दिया मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद इसको हम पलटे की सहायता से इसको छिटा लेंगे, और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। और इसको हम अब फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से डोसे की तरह करके हल्का हल्का और थोड़ा सा घी लगा के, और आप बिना घी का भी बना सकते हैं। और तो इसी तरीके से दबा कर, और इसको मैं पीसेस में काटूंगी। पीसेस में काटेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से खाने में रहेगा, पीस बाय पीस। और मैं अब इसको, ये मेरा पूरा कंप्लीट बन गया है, बहुत ही गर्म था। और किस किस को मूंग की दाल का चीला अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये मैं रख लेती हूँ प्लेट में, क्योंकि संडे की वीडियो है ये क्लिप। और ये मैंने रख दी है प्लेट में, और इसके साथ मैं लूँगी सॉस। आप सॉस से खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। और ये मैंने ले ली है प्लेट में सॉस। इतना मेरा खीरा बनकर हो गया है तैयार। तो बच्चे का जो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। और यहाँ हो गया था शाम का टाइम, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं और मम्मी पी रहे हैं चाय। ये नेक्स्ट डे की फ्लिप है, और यहाँ पर कुछ बातें चल रही थी। और जब तबीयत खराब हो जाती है तो सफर के ही 12 बज जाते हैं, तो तबीयत खराब की तो कुछ पता नहीं चलती कब खराब हो जाए। यहाँ पर कुछ बातें चल रही थी, तो उसे देखकर उस समय मुझे बहुत उदासी आ रही थी। मैं फिर चाय पी रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप भी पी लीजिए। माँ बेटी चाय पी रही हैं, दिखाती है बहुत ज़्यादा नाटक, और बहुत ज़्यादा खेलती है, प्यार करती है बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स जो भी चैनल पे प्लीज़ न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्यारा सा कमेंट छोड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।